पिछला थोड़ा इधर हो यार थोड़ा। सर बताइए किस प्रकार जो है एक रिकवरी वगैरह हुई है और बड़े जो नेक्सस था जिसको आपने किया। SSP कठुआ श्री शिवदीप सिंह जम्वाल उनके डायरेक्शन पे हमने एक ट्रैफिक जो है वो अवेयरनेस एक मुहिम जो चलाई थी उसका SHO कठुआ DSP हेडक्वार्टर मंजीत सिंह साहब हमने एक अलग अलग जगह पे एक नाके लगा के वहाँ पे एक रेंडम हमने चेकिंग शुरू की जिसमें हमें 13 जो हैं वो टू व्हीलर जो हमने वो सीज़ किए हैं उसमें 12 मोटरसाइकिल और एक स्कूटर है। उसमें मैक्सिमम जो हैं ये लोग जो हैं विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस विदाउट डॉक्यूमेंट्स विदाउट नेम प्लेट नंबर प्लेट और रैश ड्राइविंग। और रैश ड्राइविंग जो है हम उनको ये बताना चाहते हैं कि रैश ड्राइविंग जो है वो यहाँ पे छोटे बच्चे हैं लेडीज़ हैं ओल्ड एज हैं जो कि उनके लिए उनका जो रास्ते में चलना जो है वो बड़ा रिस्की हो सकता है। तो हमने उनको जो 13 जो बाइक्स हैं उनको हमने सीज़ किया है उनके ऊपर जो है वो जो कानूनी जो है कार्रवाई की जाएगी। सर चोरी के व्हीकल्स भी कुछ रिकवर हुए हैं या नहीं क्योंकि बड़े लोगों की शिकायत है बाइक्स चोरी होती हैं सामान भी कठुआ से चोरी हो रहा है चोरों की वारदात भी जो है लगातार बढ़ती है। हमने पिछले 2 दिन में हमने 2 जो है वो चोरी जो है एक स्नैचिंग और जो एक थेफ्ट जो है वो रिकवर की है। उसमें जो है वो लोग क्या करते हैं कि अपना लॉक लगा के कहीं घूमने के लिए चले जाते हैं घूमने के लिए अपने नेबरर्स को अपने किसी को कोई अवेयर नहीं करते हैं। हम मेरी आप लोगों के माध्यम से रिक्वेस्ट है इन लोगों को कि आप एक तो अब CCTV कैमराज लगवाएं और दूसरा अपने वैल्यूएबल्स जो ऑर्नामेंट्स हैं गोल्ड ऑर्नामेंट्स हैं या फिर जो कैश है वैल्यूएबल उसको कैश जो है वो घर पे ना रखें वो बैंक में जमा करवाएं और जो ऑर्नामेंट्स हैं जो गोल्ड ऑर्नामेंट्स हैं उसको लॉकर में रखें और डेली जो यूज़ करते हैं उसको आप यूज़ कर सकते हो मैक्सिमम जो गोल्ड है वो आपको लॉकर में रखना चाहिए। सर पुलिस ने ये देखा कि कठुआ पुलिस ने ड्रग्स के ऊपर भी क्रैक डाउन किया हुआ है कितने लोग अभी तक पकड़े गए हैं और कितना जो चिट्टा है हीरोइन है वो पकड़ेगी। देखो अभी तक हमने जो इस साल 85 जो केसेस हैं वो ड्रग्स के जो हैं वो रजिस्टर्ड हुए हैं उसमें 106 लोग जो है इन्वॉल्व हैं उनको अरेस्ट किया हुआ है। और आप इसका नंबर से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हमने जो एक मुहिम चली है जो नशा मुक्त भारत का वो उस पर हम कितना काम कर रहे हैं और विद इन 24 आवर्स भी हमने 3 केस जो हैं वो ड्रग्स के हमने अभी पकड़े हैं उसमें 3 लोग इन्वॉल्व हैं एक कार भी उसमें इन्वॉल्व है और उसमें एक जो है वो पुलिस स्टेशन कठुआ का है एक बिलावर का है और एक राजबाग का है। जितने भी वाहन है वो कोई भी चोरी का वाहन नहीं है जितने भी आपने ये जब्त किए हुए वाहन? इसमें चोरी का वाहन कोई नहीं है जो अभी हमने जब्त किए हैं ये सारे जो हैं ये वॉलेटर्स हैं। इसमें आपको बताया मैंने ऑलरेडी कि रैश ड्राइविंग है विदाउट डॉक्यूमेंट्स है विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस है विदाउट हेलमेट है इस तरह के हमने। सर जिसमें शिवानगर में भी एक चोरी हुई थी जिसमें महिला को से जो है वो पर्स चोरी कर लिया गया था वो हमने वही मैं आपको बता रहा हूँ कि वो हमने वो क्लियर कर लिया है उसको हमने अरेस्ट कर लिया है उसमें से रिकवरी हो गई है उसको उसमें एक मोबाइल है उसमें 2000 रुपया कैश है आधार कार्ड है पैन कार्ड है और जो भी और डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमने कवर कर लिए। सर जितनी भी चोरियां हो रही हैं क्या कुछ क्लू मिला है कि या क्या लोकल ही चोर हैं या फिर कोई इंटरस्टेट गिरोह हम कह सकते हैं? ये अभी तक जो हमें है वो लोकल ही हमें मिले हैं बाहर का अभी इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। सर पिछले दिनों स्कूटी चोरी हुई थी 2 मोटरसाइकिल चोरी हुए थे चोर को पकड़ लिया गया था परंतु उसकी जो है एक सिर्फ फोटो ही सामने आती है क्या कठुआ पुलिस जो है कोई वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन चोरों को जो है एक्सपोज नहीं कर सकती क्योंकि इन्होंने काफ़ी बड़ी वारदातें जो है वो शहर में दी है चोरी की? वो जो उनके लिए हम आगे कार्रवाई जो है हम सोचेंगे उसको क्या करना है अभी तक तो हमें जो पकड़े हैं वो ही आपके सामने हैं। जैसे एक नशीले पदार्थ के साथ आपने एक युवक को पकड़ा है आपने तो क्या देखेंगे कि नशीले पदार्थ का सेवन जो है वो बढ़ता ही जा रहा है? देखो मेरे आप लोगों के माध्यम से एक रिक्वेस्ट है कि जो पब्लिक है पब्लिक को इसके लिए अवेयर रहना पड़ेगा। पब्लिक अगर हमें इन्फॉर्म करेगी तो हम अच्छी ज़्यादा कार्रवाई करेंगे और ये आपको 100% हम आपको श्योरिटी देते हैं कि जो हमें इन्फॉर्मेशन देगा उसकी जो आइडेंटिटी है वो सीक्रेट रखी जाएगी। सर कठुआ जिला में कई सारे नशा मुक्त केंद्र के नाम पर क्लिनिक खुल रहे हैं
कई सारी शॉप्स हैं, मेडिसिन बिक रही हैं, क्या कठुआ पुलिस को इस मामले की जानकारी है? और अगर जानकारी है तो क्या कुछ कार्रवाई कठुआ पुलिस से अपने तौर पर की गई है? क्या उन दुकानदारों की, उन डॉक्टरों की शिनाख्त जांच की गई है अभी तक? उनकी जो दुकानदार जो आप बोल रहे हैं उनकी शिनाख्त रेगुलर होती है और उसमें कोई भी अगर दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई। सर एक और सवाल रहेगा कि जो मीडिया का एक ग्रुप है कठुआ पुलिस ने बनाया हुआ है, कठुआ मीडिया ग्रुप, उसमें अक्सर ये देखने को भी मिलता है कि कुछ सिर्फ FIRs ही सामने आती है, कुछ लोगों की तस्वीरें जो है वो सामने नहीं आती है, ऐसे क्या वजह हो सकती है? जो लोगों की तस्वीरें हैं उसलिए नहीं आती क्योंकि उसमें हमें आगे की जो कार्रवाई करने के लिए थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो उसको इसके लिए हम आइडेंटिटी उनकी जो है सीक्रेट रखते हैं। सर मेरा एक सवाल, जैसे कि आपने बताया कि आज हमने 13 जो मोटर टू व्हीलर हैं वो पकड़े हुए हैं, SSP साहब ने स्टार्टिंग में जब आए थे तो उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था कि जितने भी पेट्रोल पंप्स हैं वो उन पेट्रोल पंप पे अगर कोई विदाउट हेलमेट आता है तो वो तेल ना डालें, लेकिन उसके बावजूद अब हम देख रहे हैं, हर रोज देखते हैं, हर एक पेट्रोल पंप के ऊपर विदाउट हेलमेट के लोग तेल डाल रहे हैं, तो ये भी एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था लेकिन उसे इंप्लीमेंट अभी तक हो नहीं पा रहा। आप मीडिया के माध्यम से इन पेट्रोल पंप वालों को क्या कहना चाहेंगे? हम आपके माध्यम से ये बोलना कहना चाहते हैं कि आप थोड़ा इसके लिए अवेयरनेस थोड़ी सी आप क्रिएट करें और जो कमी इसमें पेशी है वो हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।